गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांतिवन ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट एयर एंड वाटर. अवर चैप्टर नंबर इज 12. सो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू सेम चैप्टर, कंपोजिशन ऑफ एयर. द टॉपिक एयर इज मिक्सचर ऑफ द गैसेस. गैसेस का मिक्सचर होता है एयर. द टू मेन कंटेंट ऑफ एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सबसे ज़्यादा क्या होता है कंटेंट, मेनली टू होते हैं एयर में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ये टू गैसेस होती हैं जो कि मेनली इसमें घुली हुई होती हैं, यानी कंपोज्ड होती हैं. इन एडिशन टू दिस, एयर आल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस. इनके अलावा, इन मेन टू गैसेस के अलावा और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में होती हैं, थोड़ी थोड़ी होती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ट्रेसेस ऑफ और भी थोड़ी सी गैसें होती हैं. सी द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस इन द गिवन पिक्चर. ये जो पिक्चर दी हुई है इसमें आप देखकर समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% होती है, और अदर जो बच्चे वो सारी कौन सी और सारी गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, अदर गैसेस 0.97 होती हैं. इनमें कौन सी गैसेस आ जाती हैं, जैसे ऑर्गन वगैरह, ये सारी गैसेस इसमें इंक्लूड होती हैं. नाइट्रोजन गैस का अभी मैंने ये बता दिया आपको. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. बच्चों, ह्यूमिडिटी क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता. आर्द्रता मतलब अगर पानी एयर में थोड़े से मॉइस्चर है तो वो क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी. द ह्यूमिडिटी इज हाई व्हेन द वाटर वेपर इज मोर इन द एयर. अगर वाटर वेपर ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे ह्यूमिडिटी हाई है. इन ह्यूमिड एयर द परस्पायरेशन फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस डज नॉट एवेपोरेट क्विकली, सो वी फील अनकंफर्टेबल. अगर हमारा ह्यूमिड बॉर्डर ह्यूमिड एयर है तो वो अगर हमारी बॉडी में जाती है और हम लोग क्विकली उसको एवेपोरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें कैसा फील होगा, हमें अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा. देखा होगा आपने कि अगर ह्यूमिड वेदर में हम ज़्यादा रहते हैं तो हमको छींक आने लगती है, स्नीजिंग होने लगती है ना, कफ आने लगती है. वी कैन फील द ह्यूमिडिटी इन एयर बिफोर एंड आफ्टर द रेन. हमें कब ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील होती है, जब रेन होने वाली होती है या हो जाती है. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ होती है. यू कैन नॉट सी इट बट यू कैन फील इट. यानी आप इसको देख नहीं सकते पर आप इसे फील कर सकते हैं. विंड कैन मूव थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी क्लाउड्स मूविंग इन द स्काई. आपने देखा होगा विंड क्या कर सकती है, चीज़ों को मूव करा सकती है, जैसे आसमान में क्लाउड्स को भी मूव कराती है. लेट अस स्टडी द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर. एयर ऑक्युपाइज स्पेस. आपने देखा होगा एयर क्या करती है, जगह को घेर लेती है, स्पेस घेरती है. एयर इज ऑल अराउंड अस. एज द एयर एंटर द बलून फ्रॉम योर लंग्स, द एयर टेक अप स्पेस इन द बलून. आपने देखा होगा जब आप बलून में एयर फिलअप करते हैं तो वो एक उसका एक अलग साइज हो जाता है, उसका एक अलग शेप हो जाता है. इसी तरह से आप अगर टायर में एयर भरते हैं तो उसका भी एक अलग शेप हो जाता है. इससे ये हमें क्लियर हो जाता है कि एयर क्या करती है, एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. एयर हैज़ वेट. एयर में वेट भी होता है. इफ़ यू टेक टू बलून एंड ब्लो इन एयर देन देम एंड हंग देम विद अ थ्रेड टू वो द एंड ऑफ द स्टिक विल नॉट मूव. हाउएवर इफ यू डिफ्लेट वन ऑफ द बलून द स्टिक विल टिल्ट टूवर्ड इट. This clearly shows that air has weight. मतलब अगर आपने क्या किया, दो बैलून लिए और उनको हवा में छोड़ दिया और क्या किया, उसमें एक धागा बांध दिया और एक स्टिक में लगा दिया. अब आपने क्या किया, स्टिक को अभी तो वो दोनों जब साथ में हैं तो वो मूव नहीं कर रही है, और जैसे ही क्या हुआ, उसमें कुछ डिफ्लेट हुआ तो बैलून क्या होगा, स्टिक थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी झुक जाएगी. तो इससे पता चल जाता है कि एयर में वेट होता है. एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर में क्या होता है, एयर प्रेशर भी डालती है, यानी दबाव डालती है. इफ़ अ ट्राई फिल्ड विद एयर इज प्लेस्ड ऑन द वाटर सरफेस इट विल फ्लोट. अगर आपने कोई
टॉय है, खिलौना है जिसमें एयर आपने भर रखी है और आपने क्या किया उसको पानी के सरफेस पे डाला, तो क्या करेगा, तैरने लगेगा. इफ़ यू विल एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बॉल यू विल फील दैट इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू डिप द बॉल इन द वॉटर. अगर आपने क्या किया बॉल का प्रेशर क्या कर दिया, निकाल दिया, यू विल फील दैट इट रियली डिफिकल्ट टू डिप द बॉल इन वॉटर, तो वो पानी में नहीं डूब पाएगी. और इसका मतलब क्या हुआ कि एयर क्या कर रही है कि बॉल में प्रेशर डाल रही है, विच मेक इट हार्ड टू डिप इन द वॉटर, जिसकी वजह से अगर प्रेशर उसका नहीं है तो वो क्या करेगी, वो उसमें डूब नहीं पाएगी. अगर एयर भरी हुई है तो वो इजीली फ्लोट कर पाएगी. एयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग अराउंड इट इन ऑल द डायरेक्शन, यानी हवा सब तरफ प्रेशर डालती है और सब चीज़ों में, सब जगह पे उसकी हर डायरेक्शन में अपना प्रभाव डालती है, इफेक्ट डालती है. यूजेस ऑफ एयर. एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग. ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू सर्वाइव. हम सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ते हैं. जितने भी जीवित चीज़ें हैं सबको सर्वाइव करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. वी कैन नॉट लाइट अ फायर विदाउट ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम बर्निंग भी नहीं कर पाएंगे, कोई चीज़ जला भी नहीं पाएंगे. विंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. विंड एनर्जी भी एक एनर्जी का फॉर्म है. आपने देखा होगा विंड मिल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. एयर कूल्स इंजन बाय एब्जॉर्बिंग एंड टेकिंग अवे द हीट प्रोड्यूस इन देम. अगर कोई इंजन है जिसमें हीट प्रोड्यूस होने लगी है, अगर हम उसमें कूल एयर देंगे तो वो ठंडा हो जाता है. एयर इज फिल्ड इन टायर्स प्लो एंड अदर फ्लेक्सिबिलिटी थिंग्स, यानी एयर टायर्स प्लो वगैरह में भी भरी जाती है. एयर इज फिल्ड इन फुटबॉल टू गिव शेप एंड कीप इट लाइट एंड सॉफ्ट इनफ टू किक. यानी हम फुटबॉल में भी एयर भरते हैं जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाती है और किक करने में इजीली वो दूर तक जाती है. एयर प्रेशर हेल्प इन फिलिंग इंक इन अ फाउंडेशन पैन इन शकिंग लिक्विड थ्रू अ स्ट्रो एंड फिलिंग एन इंजेक्शन सिरिंज. एयर प्रेशर से ही क्या फाउंटेन पैन में भी हम इंक भर सकते हैं. अब है वॉटर. इन योर एवरी डे लाइफ यू यूज वाटर फॉर मैनी पर्पज लाइक ड्रिंकिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट, वॉथिंग एंड कुकिंग. इन सारी चीज़ों में हम रोजाना वाटर का यूज़ करते हैं. अबाउट 75% ऑफ अवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर. लगभग 75% वाटर हमारे अर्थ पर घिरा हुआ है. बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज सेलाइन, यानी कैसा है, लवणीय है. मतलब कैसा है कि ये हम पीने योग्य नहीं है. As it present in sea or ocean. और ये कहाँ पर होता है, ज़्यादातर समुद्रों में या फिर ओशियन में. Very little of this water can be used for drinking. बहुत कम ही water होता है जो हमें पीने के लिए है. इसीलिए बच्चों पानी को हमें save करना चाहिए, ज़्यादा waste नहीं करना चाहिए. Soluble and insoluble substance. There are many substances which dissolve in water. Those substances which dissolve completely in water are called soluble substances. बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में dissolve हो जाती हैं, घुल जाती हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से पानी में घुल जाती हैं, उन्हें soluble बोलते हैं. और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पूरी तरह से नहीं घुलती, उन्हें insoluble substance कहते हैं. जैसे sugar, salt, स्क्वैश, ये सब ऐसे soluble substance है जो कि उसमें घुल जाते हैं पानी में. बाइल, चॉक, सैंड, ये ऐसे सॉल्यूट सब्सटेंस हैं जो कि विच सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जो कि पानी में नहीं घुलते हैं. और वो जो सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं उनको सॉल्वेंट बोलते हैं. यानी द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म द सॉल्यूशन. यानी मिक्सचर किसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं. नीड टू प्यूरीफाई वाटर. आखिर हमें वाटर को प्यूरीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. रेन वाटर एज इट फॉल ऑन द ग्राउंड डिसॉल्व मैनी सब्सटेंसेस फ्रॉम एयर इन इट. जब भी बारिश होती है, बारिश क्या करती है, हमारे ग्राउंड पर बहुत सारे डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं वो एयर अपने साथ में ले जाती है. व्हेन इट फ्लो डाउन द हिल, जब ये पहाड़ों से नीचे गिरते हैं, ओवर द रॉक एंड सॉइल, मिट्टी और चट्टानों पर, इट डिसॉल्व मैनी मिनरल्स, और ये बहुत सारे मिनरल्स में घुल जाती है. इट कैन कैरीज अलॉन्ग सम इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और उसमें बहुत सारे इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी होते हैं जैसे कि मड, ट्विंग लिप्स, लीप्स एंड स्टोन्स. यानी ये इतनी सारी इसमें वो
इनसॉल्युबल सब्सटेंस ले आते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं. दीज अनवांटेड थिंग विच एंटर द वाटर एंड मेक इट डर्टी आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज. और यही सारी जो हमें नहीं चाहिए गंदगी वही उसमें पानी में आ जाती है, इन्हें ही हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज. दस द वाटर कलेक्ट इन रिजर्वायर और लेक कंटेनर लॉट ऑफ सोल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. इसी प्रकार से जब भी रिजर्वायर क्या होते हैं, जहाँ पर पानी हम लोग कलेक्ट करके रख लेते हैं अपने काम के लिए, या फिर लेक वगैरह में पानी जहाँ पे कलेक्ट होता है उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं. देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. यानी ये हमेशा हमें बताया जाता है कि जब भी हमें पानी पीना है कैसा, उसको प्योरीफाई करके ही पीना है. दिस वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. जो हमारे लिए पीने के योग्य होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं. फिर है रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. अगर हमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है वाटर से, तो हम क्या करते हैं, सेंडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन करते हैं. सम टाइम वाटर कंटेन मड विद विच इज इनसॉल्युबल. इफ द वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम द मड पार्टिकल सेटल डाउन. अगर हम पानी को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या करेंगे, जो अनडिस्टर्ब पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे ही बैठ जाते हैं और हमको पानी ऊपर प्योर वाला मिल जाता है. इसको सेंडिमेंटेशन कहते हैं, निस्तारण कहते हैं. नाउ पोर द क्लियर वाटर जेंटली इनटू अदर कंटेनर. अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर क्लियर वाटर है उसको दूसरे कंटेनर में कर लेंगे. केयर शुड बी टेकन नॉट टू बी डिस्टर्ब द सेंडिमेंट एट द वाटर. हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसको फिर से हिलाना नहीं, एकदम से जेंटली उसको अदर कंटेनर में कर लेना है. इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेटेशन. फिल्ट्रेशन. इन द फिल्ट्रेशन मेथड वाटर विद इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. द टाइनी पोर्स इन द फिल्टर पेपर अलाउ वाटर टू पास थ्रू व्हाट ब्लॉक द इम्प्योरिटीज. जब हम फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, एक पेपर लगाते हैं उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनकी वजह से पानी तो नीचे चला जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं. और फिल्ट्रेशन इज जनरली यूज टू रिमूव लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर. यानी हल्की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके लिए पानी से अलग कर सकते हैं. रिमूविंग सॉल्युबल एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर. डिस्टिलाइजेशन. डिस्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट एंड देन कंडेंसिंग द स्टीम इज कॉल्ड डिस्टिलाइजेशन. इट इन्वॉल्व टू प्रोसेस, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. डिस्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इस मेथड से हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं और इम्प्योर वाटर को हीट करते हैं जब तक पानी बॉयल करते हैं उसको, और जब तक वो पूरी तरह से बॉयल नहीं हो जाता उसकी इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं. फिर ऑन बॉयलिंग वाटर एवेपोरेट लिविंग इम्प्योरिटीज बिहाइंड इन द फ्लास्क. और फिर क्या होता है, इस तरह से ये इस भाप बनती है और भाप जब दूसरे कंडेंसर में जाती है तो वहाँ पर फिर से ये हीट ये यहाँ पर हीटिंग चैम्बर होते हैं जिसकी वजह से वो फिर से वाटर में चेंज होने लगता है. इस तरह से स्टीम पास थ्रू द कंडेंसर विच इज केप्ट कूल. यानी स्टीम जब कंडेंसर से पास होती है वो की ठंडी होती है और वो उससे जब गिरती है तो वो वाटर में दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से हमें जो पानी मिलता है वो हमें डिस्टिल वाटर मिलता है. प्यूरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर. वाटर मस्ट बी प्यूरीफाइड बिफोर ड्रिंकिंग एज इट मे कंटेन जर्म्स एंड दैट कैन कॉज डिसीज. यानी हमें कभी भी अनहेल्दी वाटर नहीं पीना चाहिए, उसमें जर्म्स हो सकते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं. अब एक्सरसाइज है बच्चों, ये आप कर लेना. इसके मैंने टिक लगा दिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स के हैं. जो नहीं हुए हैं उन्हें आप खुद से करने की कोशिश करना. ओके, मैच द कॉलम्स एंड द क्वेश्चन नंबर 1E. तो शॉर्ट आंसर 1 का आंसर ये होगा, शॉर्ट आंसर 2 का आंसर ये होगा, शॉर्ट आंसर 3 का आंसर ये है ह्यूमिडिटी, शॉर्ट आंसर 4 का आंसर ये होगा, शॉर्ट आंसर 5 का आंसर यहाँ तक ये होगा, शॉर्ट आंसर 6 का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा. यानी शॉर्ट आंसर ई ग्रुप के आप सारे क्वेश्चंस कर लेना. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.